जय हिंद बच्चों, आज हम आ गए हैं आपके एक और नई वीडियो देखें। और इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। चलिए, इससे पहली रिएक्शन में आपको सबसे जो पहली सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूँ, सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया गया था, मेरे भाइयों और बहनों, क्या बताया गया था? हाँ, रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सेकेंड इक्वेशन में मैं आपके लिए टाइप्स लेके आया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लेके आया था। हमने कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे? 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। जिन लोगों को नहीं पता जाके देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम आगे फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अभी आपने कितने पढ़े? 4, ठीक है। अब जो अगले जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, देखिए वो आपसे जो क्वेश्चन में मैं समझ रहे, जैसे 4 टाइप ऑफ जो रिएक्शन थे, समझिए कुछ चीज़, जो 4 टाइप्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो मैं आज आपको आज कराने वाला हूँ वो रिलेटिवली थोड़े से कम पूछे जाते हैं। लेकिन कम पूछे जाने का ये मतलब नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? जैसे एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक है, क्या बोला मैंने? कम पूछे जाने का ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनके कंपैरिजन में थोड़े से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक जो एंड में जो टाइप पढ़ाऊंगा कुछ कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तो न्यूमेरिकल सीधा उठ के आता है, कैसा क्वेश्चन आता है बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला जो टाइप आज जो आप पढ़ने वाले हैं, हमने वहां कितने पढ़े थे? 4। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे वो होगा टाइप नंबर 5, ठीक है। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, इसको दो वर्ड तोड़ते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड क्या है? थर्मिक। थर्मिक मीन्स हीट, एनर्जी, किसी मेनली हीट की फॉर्म में, मेनली हीट की फॉर्म में, ठीक है। थर्मिक का मतलब क्या है? हीट या फिर एनर्जी। एंडो, इस एंडो वर्ड का बहुत तगड़ा मतलब है, ठीक है। यहां पर आप इसको कोड वर्ड में तोड़िए, ईएन, ईएन मींस एंटर। बोलो यार, देखो यहाँ पर डब्बा है, ठीक है, मैंने आपको बोला बेटे ईएन, और मैंने आपको बोला बेटे ईएक्स। ईएक्स पे आप लगा दोगे आईटी, क्या बन जाएगा? एग्जिट, निकलने वाला। ईएन पे आप लगा दोगे टीआर, क्या बन जाएगा? एंटर। तो हमेशा याद रखना, ईएन से एंटर, ईएन से एंटर, यानी कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एंटर करती है। एंटर मतलब जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको हीट की जरूरत है। सही बात है कि नहीं है? उसमें हीट निकलती नहीं है, उसमें हीट आपको देनी पड़ती है। समझ आ गया आप? द रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनके कंप्लीशन में हमको हीट की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी को तोड़ना होगा तो आपको उसको हीट देनी होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रेफरेंस समझ आ गई, ठीक है। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट, जिनको हीट की जरूरत है, जो देते नहीं है, जिनको जरूरत है। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट फॉर द कंप्लीशन आर नोन एज एंडोथर्मिक। बोलो यार, रिएक्शन जैसे CaCO3 सॉलिड में क्या था? ये कैल्शियम कार्बोनेट। अपन ने इसको हीट दिया, अपन ने क्या दिया? इसको हीट दिया, बिना हीट का थोड़ी, ये हीट का सिंपल होता है, ठीक है, ट्राइंगल इंडिकेट करता है हीट। आपने तो अपना हीट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? यहाँ पर आपके, यहाँ पर आपके जो बनने वाले हैं वो बनेंगे आपके CaO प्लस CO2। ये क्या होता है? क्विक लाइम, जिसको चूना बनाने में काम करते हैं आगे से एक लाइन में। बोलो यार, ठीक है, क्या और क्या उसका नाम क्या होता है वैसे? कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम होता है वैसे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। समझ आ गया? एंडोथर्मिक हमेशा रखना, जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे, यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस पे वहाँ को, वहाँ कुछ नहीं मिल जाना, यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये कार्रवाई होगी। समझ आएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। चलिए, तो उसको लिखेंगे ऐसे, इन द अबव रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इन टू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आप इस तरीके से उसको बोल सकते हैं। हमेशा जब भी आप एंडोथर्मिक को डिफाइन करें, पहले उसको डिफाइन करो, फिर एक लिखो फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से लिखो, और फिर उसके नीचे वो भी लिखो, इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, इन द अबव रिएक्शन, इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा मैटर करता है वैसे, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से साइंस से मैटर नहीं करनी चाहिए प्रेजेंटेशन, साइंस इज ऑलवेज अबाउट नॉलेज, आपको कितनी चीज़ें आती हैं वो प्रेजेंट करना। यार कैलीग्राफी थोड़ी कर रहे हो, राइटिंग बना रहे हो, मजाक। अरे साइंस मतलब कुछ नया, क्यूरियोसिटी, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जब जिस बच्चे को यार ये लिख दे, मतलब उसे पता है क्या नीचे लिखवा रहे हो? दिस रिएक्शन दिस, बट नहीं, क्या अगर हिस्सा वही लिखना पड़ता है? लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे तो मतलब अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन होता है किसी,
हमारे बोले कॉपी भी लेके नहीं आया तू, खाली ऐसे घूम रहा है यार। देखो अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं धर्मिक का। मान लो क्या है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है। मान लो आपके पास फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन मान लो, क्वेश्चन मान लो, कुछ ही मान लो। आपने इसको हीट किया, ठीक है, बोलो यार आपने से क्या किया, हीट किया। जब आप इसको हीट करोगे तो ये किसी ना किसी फॉर्म में तो स्प्लिट करेगा, अरे कुछ ना कुछ तो कंपाउंड देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। आपने इसको हीट किया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या देना होगा, ध्यान से देखो, ये आपको देगा यहाँ पर Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों होती है गैस की फॉर्म में, ठीक है। और जो फेरिक ऑक्साइड आपको मिलता है वो आपको मिलता है प्रॉपर किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अब बहुत सारे लोगों में रहा है कहीं पर आयरन का नाम फेरस है, कहीं पर फेरिक है, ये होता है वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम केसेस में जहाँ पर आयरन अपनी वैलेंसी 2 दिखाता है उसको बोलते हैं फेरस, और जहाँ पर आयरन अपनी वैलेंसी 3 दिखाता है वहाँ पर हम लोग उसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसको लेकर, ठीक है, आप अगले क्लास में सीख जाओगे, अगले वीडियो आपको सिखा दूंगा। इस रिएक्शन को तो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, किसी कैसे फंक्शन कैसे क्या होता है ये होता है, बट यहाँ पे जो हमको पढ़ना है एंड पढ़ना है मैं इसके आपसे इतने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ SO3 एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है, नाम लिखा, नाम लिख देना, ठीक है, समझ आएगा ना सर, बोलो यार, ठीक है। अब बिल्कुल इसका उल्टा, अभी आपने डायरेक्ट पढ़ लिया, समझ आ गया। लगन लगी तुझ मुश्किल समय संभलता मुश्किल से संभला था मैं, टूट गया फिर एक दफा बात दिल की, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल उसका उल्टा। एंडो मींस एंटर, एक्सो ईएक्स मींस एग्जिट, जहां पर हीट बाहर निकलती है। ऐसे कोड वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, इट्स ऑल मेमोराइज, आपको थोड़ा सा ना बहुत ट्रिक्स सुनानी पड़ेंगी, तभी आपको चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और बोल सॉन्ग करेगा, क्योंकि आगे जाकर पूरा साइंस में से याद करने की चीजें बहुत सारी होंगी, ठीक है। बोलो यार देखिए अपना, चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मींस एग्जिट, थर्म मींस हीट, चलो इसका एग्जांपल देते चला तो लिख लेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, इसमें हीट निकलती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और हीट इज प्रोड्यूस्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे पिछली रिएक्शन आपके पास एक जुगाड़ वाला मटेरियल निकला था, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, बोलो यार क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया अपन लोग ने इसको पानी में डाल दिया, पानी में डालते क्या निकला, पानी में डालते क्या बना, ये बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन, ठीक है। साथ में क्या निकली, हीट निकली, तो बस यही हीट तो है, तो बता रहे ये कैसी रिएक्शन है, एक्सो गर्म हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल वालू जल्दी जल्दी, लेकिन उनको बोली स्पीड से तो और नहीं करवा रखा है, देखिए ये गैस होती है, जब कार्बन कंपाउंड पड़ेगा आप कौन सी, इसको बोलते हैं मीथेन, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। जैसे ही मीथेन को, ठीक है, मीथेन का जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, मीथेन का जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एक कंपाउंड बनकर मिलता है CO2 + H2O + यहाँ पर हमें एनर्जी की फॉर्म मिलती है हीट एंड लाइट। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना,
जब भी कभी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के बनता है, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर। जब भी हम कभी किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा रखना CO2 में स्टोरोसिटिलाइट, इन तीन के अलावा कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता, यही तीन बनेंगे। हाँ, इनके अमाउंट में फर्क पड़ेगा, अगर एक कंपाउंड बड़ा होगा तो यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ मैंने बैलेंस करने की कोई जरूरत समझी, मैंने आपको बैलेंसिंग ना पढ़ाया है, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जब आपको बैलेंसिंग समझाऊंगा तब पता लगेगा बैलेंसिंग। इस रिएक्शन में हमने किया, ये कम्बशन है, ठीक है, कम्बशन किसका किया हमने, इथेन का किया, हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, हीट मिली, बोलो यार मिले नहीं मिली, ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पर ये हीट मिली, हमें एडवांटेज मिली ना बाहर निकली है उससे, जिसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मल। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द अबाउट रिएक्शन ऑन कम्बशन ऑफ मिथेन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ हीट एंड लाइट, therefore it is also an example of exothermic reaction। बोलो यार, बोलते रहो, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, बैठा दो, कितने हो गए, फोटो केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसका जो नाम है वो उसके वर्ड के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन का ऑलरेडी जानते हो, वर्ड फोटो मीन्स लाइट, एक्चुअल में फोटोन वर्ड से ड्राइव किया गया, ठीक है, लाइट का छोटा सा पार्टिकल होता है फोटोन, वहां से वर्ड आप समझते हैं ड्राइव किया गया इस तरह से, ठीक है, लाइट फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, जनरली सनलाइट, ठीक है। तो हमारे आसपास क्या होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, पॉसिबल कहने का ये मतलब नहीं कि वो बिना सनलाइट के नहीं हो सकती, वो बिना सनलाइट के हो सकती हैं, लेकिन बिना सनलाइट के होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही पूरी हो पाती हैं, यानी कि लाइट जनरली कौन सी, सनलाइट, ठीक है, तो उन रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको डिकम्पोजिशन पढ़ाया, ठीक है, डिकम्पोजिशन के और फर्दर तीन टाइप होते हैं, ठीक है, उनमें से एक ये भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होगी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा, लाइट की हेल्प से फोटो, लाइट की हेल्प से तोड़ा, हीट की हेल्प से तोड़ा, पायरोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो तोड़ने वाली रिएक्शन होती है वो तीन टाइप की, कि आपने किस टाइप से तोड़ा, जैसे मान लो ना मेरे पास सिंपल कंपाउंड है ए और मैंने इसको तोड़ के बी बनाया, सी बनाया और डी बनाया, या तो मैं हीट से तोड़ रहा हूँ, या मैं इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ूंगा, ठीक है, या मैं सनलाइट से तोड़ूंगा, सनलाइट सिंपल होता है, तो इन तीन की वजह से तीन अलग अलग नाम है, वो आपको मैं आगे कवर करूँगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे 3 तारीख समय, ठीक है, ठीक है, तो कैसे लिखना है, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट जनरली सनलाइट आर रेफर्ड टू एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये होता हमारा सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है ये, सिल्वर ऑलरेड होता है, ठीक है, जैसे ही इसको हम सनलाइट डालते हैं, ये सनलाइट का सिंबल होता है, ये नहीं बनाना तो आप देख सकते हैं सनलाइट, तो हमारा Ag+Cl2 बन जाएगा, ये सॉलिड, ये क्या है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुन लीजिए, आप इनको बैलेंस भी कर सकते हैं, अभी मत कीजिए, मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आप आराम से बाद में बैलेंस करके लिखना, ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जो एरो है उसके ऊपर जो आपको ऐसे टेढ़े एरो दिख रहे हैं, वो जो एरो हैं वही इंडिकेट करते हैं किसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन को, बोलो यार किसे इंडिकेट करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है, अगर आपका मन है बैलेंस करने का, यहाँ टू ठीक है, तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन टू सिल्वर एंड क्लोरिन गैस इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, देयरफॉर इट इज अ सिल्वर, देयरफॉर इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, चलिए सेम देखो ऐसा एग्जाम्पल होता है, उसमें बस नंबर क्या होता है, उसमें यहाँ से ये हट जाता है, यहाँ से ये हट जाता है, यहाँ पर आता है ब्रोमीन, यहाँ पर भी क्या आता है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन 2, ठीक है,
यहाँ पर भी कहता है ब्रोमीन ब्रोमीन टू, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह से ही क्या है बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्रोमाइड ब्रोमेट ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, बोलो यार समझ आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आप सेम चीज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शन सुपर ब्रोमाइड रिएक्शन दिस 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 टू फॉर्म दिस, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन थी, ठीक है, इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्या नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन लोग, कितनी हुई थी, सात हुई था, और प्रेसी प्रेसिपिटेशन, स्पेलिंग सॉरी देख लेना भाई थोड़ी सी गलती, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, जब भी कभी दो एक्वस सॉल्यूशन आते हैं और उन दोनों के आने से कम रिएक्शन होने के बाद एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है और उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, ठीक है, जो कि आगे डिसॉल्व नहीं होता, विच इज फर्दर इनसॉल्युबल, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बस फिर ऑल दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिन जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो, दोनों की दोनों रिएक्शन याद करो, डबल डिस्प्लेसमेंट की आपका जोर कम पड़ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। कैसे, थोड़ा स्पीड से दिख रहा हूँ, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट नीचे कहती के आई प्लस PbNO3 होल ट्वाइस एरो एरो, इसके नीचे नाम इसका बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एक्वस एक्वस, ये भी एक्वस है, ये भी क्या है एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी क्या है एक्वस है। रिएक्शन करेंगे आगे, क्या बनेगा आगे, एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, भाई होगा ना भाई, ये इसकी बंदी ले जाएगा, ये इसकी बंदी ले जाएगा, और एक बनेगा सोडियम, ठीक है, ये बनेगी आपकी वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं, ठीक है, सॉलिड है ये, नाम लिख देना बेरियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड है, ये कैसा बनेगा एक्वस, में नाम नहीं लिख रहा, मैंने बता रखे नाम, ठीक है, ये क्या है पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है लेड नाइट्राइड, ठीक है, नाम खुद से लिख सकते हो, ठीक है, ये इसकी बंदी लेके भाग जाएगा, ये इसकी बंदी, इसको इसकी बंदी का भेजो तो क्या बन जाएगा के एन ओ थ्री प्लस, इसको उसकी बंदी दो दो यार इसकी बंदी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा पी बी आई टू, सब आपको सिखाया था पिछले वीडियोज में किस तरह से वैलेंस खेल हो रहा है, ठीक है। ये येल्लो कलर की पीपीटी होती है, कैसी होती है येल्लो पीपीटी, ये सॉलिड होता है, ये कैसा होता है, तो ध्यान से देखो ना, दो एक्वस मिक्स करें सॉलिड बन गया, दोबारा घुल नहीं रहा है, तो क्या ही कंडीशन में मैट कर रहा है, यस, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही आपको दोनों रिएक्शन यहाँ पर आप मेंशन करते हैं, आप काम चल जाएगा, ठीक है, समझ रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि पिछले चार रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैठा दूँ, लिख देना खुद से, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन सोडियम सल्फेट एक्वस बेरियम क्लोराइड रिएक्शन एक्वस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली आप लिख सकते हैं एक्वस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद एक्वस लेड नाइट्राइड टू फॉर्म अ सॉलिड येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, टूटी फूटिंग वजह से नहीं रही है, ठीक है, इस तरह से मुश्किल समय संभला था, टूट गया फिर एक दफा नहीं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जानना अलग बात है, ठीक है, ये तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ये नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, यार ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको जो मैं आपको तीन रामबाण सिखा रहा हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है, आप लोगों के कोर्स में फिर फालतू सिखा रहा हूँ मैं। देखिए अगर किसी भी सब्सटेंस ने
या किसी भी कंपाउंड ने, किसी भी सिस्टम, किसी भी कंपाउंड ने, सुन लीजिए, पहली चीज गेन ऑफ ऑक्सीजन किया. क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब आपको लगा अरे तेरी, इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन कैसे आ गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अगर ये नहीं पकड़ पा रहे तो इससे पकड़ो, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन थी और उसकी हाइड्रोजन चली गई, आप बोलो भाई तेरी हाइड्रोजन कहाँ गई भाई, तो तेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब अगर कभी भी किसी भी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लॉस किया तो भी ऑक्सीडेशन. और एक चीज जो थोड़ा सा मतलब आप जो लम जाओगे जाकर से हुए वो भी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कभी किसी बंदे के इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो भी ऑक्सीडेशन है. समझाने की कोशिश करता हूँ, जब आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ी होगी, 2 8 1 6 की होती है सोडियम की. सोडियम का इस तरह से गोला होता है ना, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनता था, Na प्लस. इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, क्लोरीन क्या पढ़ते थे, 2 8 7, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव. तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना उसने, तो रिडक्शन हो गया. ठीक है, चलो छोड़ो अभी तो इसको, इन चीज़ों छोड़ो, इस चीज़ों रहने दो, फिर भी आप याद रखना अभी के लिए. ठीक है, ये सब आपको बाद में पढ़ाऊंगा, डेल मेटल नॉर्मल बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक ही चीज जीरो लेवल से. ठीक है, अभी के लिए समझो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो अब समझ आ गया, ये ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ये तीन प्रोसेस में से कोई भी एक कर दे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अब जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. समझाने की कोशिश करते हैं, देखो. ठीक है, और जिस बंदे का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड. जैसे Na प्लस O2, ठीक है, सॉलिड है, ये गैस है और ये बन गई Na2O, सोडियम ऑक्साइड. बोलो यार, याद है कि नहीं है. अब अगर मैं आपसे ध्यान से आपसे बोलूं कि बच्चों का समझने की कोशिश करो ये रिएक्शन में क्या हुआ, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ यार कुछ तो हुआ, बैलेंस वैलेंस छोड़ दो. ठीक है, आप क्या बोलोगे, छोड़ दो स्टेट, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट समझ लो, इस बंदे के पास ऑप्शन था नहीं, इसके पास ऑप्शन आ गया, तो इस बंदे के लिए ये क्या है, इस बंदे के लिए क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इसके पास ऑप्शन था, देखो अभी है इसके पास ऑप्शन नहीं, जैसे देखा अरे तेरी तो वो कहाँ से लेके आया भाई, तेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. सही बात है कि नहीं, तो आपको इस तरह से चीज़ों को समझना है. ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस समझ आ गया, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रख दिए बिल्कुल. ठीक है, नोट शूट सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, बोलो यार. ठीक है, अभी रफ कॉपी लेके बैठा करो एक. ठीक है, रफ कॉपी में सबको लिखा करो. ठीक है, जो काम देता हूँ किया करो. ठीक है, समझ आ गया, बोलो यार. ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की. ठीक है, रिडक्शन समझना आपके लिए और इजी हो गया, अगर आपको ऑक्सीडेशन अच्छे समझ आ गया तो रिडक्शन समझना आपके लिए और भी इजी हो गया. ठीक है, कैसे हो गया इजी, जरा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा था तो यहाँ पर क्या कर दो, ये बस इन इन वर्ड्स को बदल दो, यानी कि ऑक्सीजन क्या करनी है उसको, लॉस. हाइड्रोजन क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दो बिल्कुल. अगर ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन हुआ तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो रिडक्शन, बस. और जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है उनको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन. एक अगले से एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लेना, तो देखो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो सकता है कि उसमें दोनों हो रहे हो, बट मैं सिर्फ रिडक्शन पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ. H2O मैं स्टेटस में लिखा हूँ, मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया. ठीक है, मैंने क्या कराया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया. ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, H2 प्लस O2, इसे डिस्से छोड़ दो. एक बार बताओ, इसके पास O था ना, यहाँ पे है, तो इसका क्या हो गया, बस सिंपल. आगे लो, मैं छोड़ो इसे, देखो अभी समझ आ गया ना. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ आ गया. अगला एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो वो लेते हैं, देखो H2S प्लस Cl2 गिव्स सल्फर प्लस HCl. ध्यान से देखना, स्टेट स्टेट छूट. इस क्लोरीन के पास H है, पर इसका H तो आ गया ना, इसके पास H तो आ गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन.
इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे भैया आपने जगह यार हाइड्रोजन गेन हुआ तो रिडक्शन हुआ, लेकिन अगर हम सल्फर को पकड़ लें, एक पकड़ सकते हैं ना, अगर हम सल्फर को पकड़ लें तो ध्यान देखो क्या हुआ, कार्रवाई पूरी पूरी पलट गई। सल्फर को देखें तो सल्फर ने हाइड्रोजन लॉस किया है, सल्फर ने हाइड्रोजन लॉस किया है, और हाइड्रोजन का लॉस क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई जहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ हो रहे हैं। तो मैं तो मना कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल, बट क्या आपको रिडक्शन समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया ना? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होते हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। समझ में रिडक्शन क्या होती है? देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन थी CuO plus H2, ठीक है, और इस पे हीटिंग करके मैंने बनाया Cu plus H2O, ठीक है, ये स्टेट स्टेट छोड़ दी, ठीक है। देखो अब देखो इसे कैसे पकड़ते हैं, इसके पास O था है ना, भी लुट गया, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। बोलो यार क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको देखूं, इसके पास O था नहीं, मिल गया, इसके तो भाग खुल गए, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए, द रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आपको एक रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उस सारे क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं मौजूद, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना कि इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड ये हो गया जिसका रिडक्शन हुआ, इस बंदे का ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ये हो गया। ये सब अगले वीडियो में समझाऊंगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज से देखते हैं कैसे पकड़ते हैं उसको, सब्सटेंस रिड्यूस कैसे पकड़ते हैं। आपको रिएक्शन समझ आ गई, अभी रिडॉक्सेशन समझ आ गई? बोलो यार। एक और एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, चले क्या? कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है, चले क्या? बोलो यार क्या कर लेंगे, ठीक है। चलो अगली जो वीडियो आएगी, छोड़ नहीं देते, अगली जो वीडियो आएगी उसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होंगे, क्योंकि सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब उसमें फाइंड किए जाते हैं, जो आपको अभी नई नई टर्म लग रही है सुनने में क्या है, आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। बोलो यार। तो आज मैंने आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपके कोर्स में यहाँ तक हैं सारे के सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इन सभी को आराम से मेरा फॉर्म में लिखिए, और एक दो बार लिखिए और याद कीजिए, आपको यहीं यहीं याद हो जाएंगे, ठीक है। बोलो यार, लिखने का तरीका समझाए किस तरह लिखना है? चलो पढ़ोगे तकले?